अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। उम्मीद है कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब दोस्तों को सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। दोस्तों, आज का जो व्लॉग है मेरा, वो हमारे मुल्क में इस वक्त आलुओं की बिजाई का काम शुरू हो रहा है, तो मैंने कहा चलो उससे पहले कुछ ज़िम्मेदार भाइयों को बता देता हूँ कि पहली जब तैयार करनी है और ऊपर उसके नीचे कौन सी खाद डालनी है और क्या का इस्तेमाल साथ में करना है, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को आज बताऊंगा। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, बेल आइकन के बटन को दबाओ, ताकि आने वाली जो भी न्यू वीडियो हो सब किसान भाई उसको देख सको। तो इंशाल्लाह अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आलू बीजने से पहले हमें क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि आज इस वक्त हमारे मुल्क में कुछ ज़िम्मेदार भाई ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि आलू बीजने से पहले हमें क्या डालना है, गलत तरीक़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे आलुओं के झाड़ में कमी आती है। यानी आलू जो बीजते हैं हम, उसके आलू ज़िम्मेदार भाई के बहुत कम निकलते हैं। तो आज मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊँगा कि आलू बीजने से पहले हमें क्या क्या डालना है और क्या क्या इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने ज़मीन को अच्छी तरह तैयार करना है। आलू पेरने से पहले जब अच्छी तरह ज़मीन तैयार हो जाएगी, तो उसके बाद हमने आलुओं की प्याली के अंदर DAP खाद डालनी है। ज़्यादा से ज़्यादा भी हमें चाहिए कि 2 बोरी लाजमी DAP खाद डालें और साथ में पोटाश डालें, SOP डालें या MOP। अगर किसी भाई की ज़मीन के अंदर पहले ही ताकत ज़मीन में है, तो वो उसको चलो ज़रूरी के ज़रूरी 2 DAP तो लाजमी डालनी चाहिए। अगर साथ में डालना है तो पोटाश डालें, SOP डालें या MOP डालें, क्योंकि जितना हम पाएंगे उतना ही ज़्यादा हमारा झाड़ निकलेगा। तो अभी मेरा कैमरामैन आप लोगों को दिखाएगा, जो अभी मैं ऐन मौके पर आया हुआ हूँ जहाँ पर अभी आलू लोग केरने हैं उन्होंने, तो आप लोगों को ज़मीन दिखाते हैं उन्होंने कैसे तैयार की है। तो अभी मेरा कैमरामैन आप लोगों को दिखाता है इस साइड पे। तो दोस्तों, ये है ज़मीन। इस वक्त 2 एकड़ ज़मीन है जहाँ पे आलू लगेंगे। अभी ये सामने प्लांटर आई हुई है, इससे आलू उन्होंने केरने हैं। तो अभी कुछ थोड़ा सा प्लांटर में इशू है, खेल के अंदर आ रहा है, तो उसको ठीक कर रहे हैं। अभी ठीक कर लिया है, तो अभी दोबारा खेल एक पाकर चेक करेंगे किस तरह की आती है। तो ये 2 एकड़ ज़मीन है और माशाल्लाह भाई साहब ने ज़मीन भी बहुत प्यारी तैयार की है। ये देखो, ये 2 एकड़ ज़मीन है उनकी। ये सामने आलुओं का ट्राला खड़ा हुआ है जो आलू ज़मीन के अंदर केरने हैं हमने। तो दोस्तों, ये अभी मेरे कैमरामैन ने आप लोगों को ज़मीन दिखाई है जो तैयार हुई है। तो अब इसके आगे हम आप लोगों को दिखाएंगे कि जो मजदूर लगे हुए हैं यानी खाद फैला रहे हैं वो दिखाएंगे, और उसके बाद जब आलू हम केरेंगे तो वो भी दिखाएंगे कि कैसी खेल आती है और किस तरह ज़मीन के अंदर आलू यानी गिरते हैं। तो उससे पहले दोस्तों, अभी मेरे कैमरामैन ने आप लोगों को जो बंदा मजदूर खाद खिला रहा था वो भी दिखाया है, और उसके बाद जिस रेजर से हम आलू केर रहे थे वो भी दिखाया है। और देखा आपने, खेला बहुत प्यारियाँ थी रेजर की। तो रेजर से दोस्तों खेल पाओ, उससे खेल अच्छी है। तो दोस्तों, मेरे कैमरामैन ने आप लोगों को सारा कुछ दिखा दिया है, खेलें किस तरह पानी है और किस रेजर से पानी है।
क्योंकि जो हाथ से आलू केरते हैं हम उसमें से नागा आ जाता है, लेकिन रेजर के आलू बहुत ज़बरदस्त कीते हैं और आलूओं के झाड़ में भी इजाफा होता है। तो अभी अंधेरा हो गया है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन के बटन को दबाओ। अस्सलाम वालेकुम।